हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में खराड़ी एरिया में, इवेंट मैनेजमेंट के फर्म में आए हैं जिसका नाम है पाइसेस इवेंट्स। और इस पाइसेस इवेंट्स के ओनर है मिस्टर चेतन दुर्ले सर, जो कई सालों से इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस कर रहे हैं। एक्चुअली में सर का ये बैकग्राउंड नहीं था, इन्होंने खुद ने ये बिज़नेस शुरू किया और सफलतापूर्वक अच्छे से इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस चला रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सर से जानेंगे कि कैसे आप इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे जो देश के जो नवयुवक है या फिर जो युवा पीढ़ी है, ये जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो सर हम थोड़ी जानकारी लेंगे इसके बारे में। ये बिज़नेस ऐसे दिखने को तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत मज़ा आता है कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है, किस तरह होता है, बट इसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है बहुत। अच्छा, लोगों की बराबर ये ऐसा लगता है कि चलो अभी डेकोरेशन कर दिया, सेट कर दिया, तो इसमें एक आदमी का घर नहीं चलता है, इसमें बहुत सारे लोगों का घर चलता है। सही है। जैसे आप एक बहुत बड़ा इवेंट करने जाते हैं तो आपको स्टेज लगता है, तो स्टेज वाला लगता है, साउंड लगता है, लाइट लगता है, ट्रस लगता है, डेकोरेशन चीज़ें रखती है, सो कम से कम एक 10-15 लोगों का टीम लगता है टू सेटल। और ये पूरा अंडर में आता है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सो बेसिकली ये इवेंट मैनेजमेंट इज लाइक अ डायरेक्शन। सही। फिर तब जाके इतना मेहनत होने के बाद जो इवेंट सेटअप पूरा लग जाता है, तब हमारी जो मेहनत है वो दिखती है स्टेज पे। सही। तब जाके सबको अच्छा लगता है। सर अभी आप लगभग कब से ये काम कर रहे हैं बिज़नेस का? ये हमने स्टार्ट वैसे तो बहुत जल्द किया था, मैं बहुत यंग था तभी। अच्छा। I was 21 years old, तब तो कॉलेज पढ़ रहे थे। अच्छा। तो ऐसा कुछ फील नहीं था करेंगे, तब पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था फ्रैंकली टेल। अच्छा। और तब जैसे इवेंट करने के तो 500,000, 500,000 ऐसा कुछ मिलने का हमको, तो फिर समझ में आया इसका सीरियस। फिर धीरे 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 वो उसका वैल्यू बढ़ते गया। और सर ये जो काम है इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस, ये फ्यूचर इसका कैसा रहेगा आने? ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी आने वाले टाइम में हर चीज़, कुछ भी चीज़ करना है, आप वेडिंग्स बोल लो, कॉर्पोरेट इवेंट्स बोलो, सेमिनार्स बोलो, लाइव कॉन्सर्ट्स बोलो, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा। सो ये चीज़ अभी आज के डेट में इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। सही है। आज आपको छोटा बर्थडे भी करना है तो आप एक इवेंट कंपनी को या डेकोरेटर को बुलाते, भैया बलून लगा दे, ये कर दे। सो इट्स अ नीड। सो इनडायरेक्टली इवेंट मैनेजमेंट हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है, ना चाहते हुए भी बट बन गया है। सही। सो बहुत लोग बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, अगर आप सीरियसली करोगे तो। सही है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत पैसे चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपका विजन क्लियर रहेगा, आपको सब चीज़ें पता है किस तरह करना है। जैसे अभी मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, काफ़ी सारा। तो जैसे अभी एक इवेंट मिला था हमको, विच वॉज अ कॉर्पोरेट इवेंट। अच्छा। सो इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है मैं बताता हूँ बेसिकली। तब हमें PO मिला, परचेस ऑर्डर। अच्छा। सो उन्होंने कहा नो एडवांस पॉलिसी। अच्छा। तो हमें समझ में नहीं आया कि किस तरह काम करें, फिर हमको लगा कि नहीं यार हम लोग करना चाहिए। तो हमने करीबन 1.5 लाख रुपए कुछ इन्वेस्ट किया फॉर डूइंग दैट इवेंट, बट हम लोग का वैल्यू कुछ 3 लाख प्लस का था। अच्छा। 3.5। सो एक दिन में आप 1.5 लाख रुपए लगा के आप 1.5 लाख रुपए और कमा सकते हो 50% मार्जिन पे, सो वाई नॉट। तब हमें समझ में आया कि इवन वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। फिर भी सर अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो जैसे अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो क्या क्या लेना चाहिए शुरू में? देखो अभी जब शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको बेसिकली स्टार्ट में तो आपको यही है कि जैसे बेसिक चीज़ें आप कर लीजिए। अच्छा। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को थोड़ा बहुत मटेरियल होना चाहिए, जैसे इन टर्म्स ऑफ छोटा साउंड, PA सिस्टम, छोटा लाइट। अच्छा। डेकोरेशन कुछ मटेरियल। सही। सो एक बेसिक रखने से क्या होता है कि उसको एक ये मिल जाता है कि अपना एक सपोर्ट। सही है। भले ही वो बाहर कुछ भी बाकी चीज़ें आप दूसरे सोर्स से ले लो या हायर कर लो, दैट इज़ फाइन, बट थोड़ा एक बेसिक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्टिव हो जाएगा। तो कोई भी नॉर्मल आदमी जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में कुछ क्या करना है, सो डेफिनेटली ही कैन डू वेरी वेल। वो एक अच्छा इवेंट मैनेजर बन सकते। सी इवेंट मैनेजमेंट इज़ बेसिकली मेकिंग हैप्पी। आप हम लोगों को खुश करते, अब उससे ज़्यादा और क्या करना है? बराबर। और खुश करना लोगों को इतना आसान नहीं है, दैट इज़ द प्लस।
आज किसी को भी हम खुश करके उसके चेहरे पे स्माइल लेके आना बहुत बड़ी बात है। सही है। तो इसमें सर जैसे अभी केटरिंग वगैरह काम भी आप मतलब इवेंट मैनेजर को ही मैनेज करना पड़ता है। yes. तो ये सब आउटसोर्स कर किया करना है? नहीं, देखो अभी कैसा है, अब जैसे केटरिंग लगता है, डिपेंड्स ऑन द बजट। अच्छा। आप जिस हिसाब से बजट रहता है उस हिसाब से वी हायर द केटरिंग टीम। अच्छा। तो अभी धीरे धीरे हम तो हर चीज़ नहीं ले सकते, तो फॉर दिस थिंग यू हैव टू हायर। सो हम लोग अच्छे से अच्छे केटर्स को भी हायर, बट ये सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट के अंडर ही आता है हर चीज़। हर चीज़। और सर अभी बहुत बार अभी तो हम पुणे में हैं, पर बहुत बार लोग जैसे आप भी बाहर गाँव भी इवेंट करते हैं, जैसे मुंबई में है या दिल्ली में है, तो सिर्फ बाहर का मैनेजमेंट कैसे होता है इसमें? देखो अभी जैसा मुंबई करते हैं, मुंबई हम लोग बहुत ज़्यादा शोज कर रहे हैं आजकल, मुंबई दिल्ली ऑल मेट्रो सिटीज़ वी आर कमिंग अप। ऐसे कुछ चीज़ें हमको वहाँ से लोकल लेवल पे ले सकते, बाकी जो मेजर चीज़ें वी कैन सेंड फ्रॉम हियर ऑल्सो। लॉजिस्टिक्स अभी बहुत आसान हो गया टू टाइम। बराबर। और ये काम शुरू करने के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम शुरू में? ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, ये दो तीन लोगों से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। दो लोग, तीन लोग, पाँच लोग, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत बड़ा टीम चाहिए। खाली आपका ना विजन क्लियर होना चाहिए। अच्छा। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपको समझना चाहिए क्या है। अच्छा। कि बॉस क्लाइंट ने एक बार बोल दिया उसको इस तरह स्टेज चाहिए, इस तरह लाइट चाहिए, इस तरह साउंड चाहिए, तो यू मेक श्योर कि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। सही है। सो आपको बेसिकली ऑफिस में क्या चाहिए, प्रोडक्शन टीम चाहिए जो प्रोडक्शन पे ध्यान देखे, एक आपकी मार्केटिंग टीम बनती है जो बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह लेके आती है जिसे बिजनेस वी नीड, और बाय अकाउंट्स टीम है जो अकाउंटिंग हैंडल करती है हम लोग का, दैट इज़ आर टीम। पर सर आपने बताया था कि इसमें विजन क्लियर चाहिए, इसका मतलब क्या है? विजन बोले तो सर बेसिकली कैसे रहता है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, खोल कंपनी तो खोल देते हैं कि उसको जाना कहाँ तक है। सही है। उसको लगता है कि यार मैं यहाँ पे ही कर लूँ इवेंट, मेरा नाम ऐसा नहीं है, बहुत कंपटीशन है। अच्छा। आप पुणे सिटी करते हो, अभी हम बहुत सारे शोज मुंबई कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग रियलाइजिंग कि हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए। सो इतना सारा स्कोप है, जैसे हमें अभी वहाँ जाके पता चला फ्लावर डेकोरेशन किस तरह अच्छे से करना चाहिए, नीश एक्टिविटीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह हम लोग और लेवल पर लेके जा सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ डेकोरेशन किया था, हमने उन्हें जिप्सी में किया था। अच्छा। सो इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली अप्रिशिएटेड। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली ग्रो अप ऑन अनदर लेवल, सो यू शुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हर एक कोविड के बाद सब इवेंट कंपनी रहने दो, प्रोडक्शन हाउस रहने दो, सब ने जीरो से स्टार्ट किया। सही। सो नोबडी फील्स कि यार मैं बहुत भारी था, मैं ऐसा करने का, अभी सब जीरो है। सो एवरी वन हैज स्टार्टेड विद द जीरो नाउ आफ्टर कोविड, गोइंग ऑन अ बिगर वे। मार्केट खुल गया है और बहुत बड़े लेवल पर खुला है मार्केट। बराबर। तो इसमें सर जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे अभी आप कंपनी के इवेंट्स करते हैं तो इसमें जैसे बर्थडे के इवेंट्स करने वाले, शादी के इवेंट्स करने वाले, कंपनी के इवेंट्स, ऐसे ऐसे क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है इसमें? बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं इसमें, जैसे वेडिंग प्लानर रहता है। अच्छा। तो हमने भी हमारे कंपनी अभी तीन सेक्शन कर लिए। अच्छा। स्पाइसेस इवेंट्स है, देन रूट शो इवेंट्स है, और लास्ट हमने अभी स्टार्ट किया दैट इज़ पुणे वेलवेट। पुणे वेलवेट बेसिकली इज गोइंग टू डू ओनली वेडिंग्स, बिग टाइम वेडिंग्स। तो जैसे शुरुआत करना चाहते तो छोटे छोटे बर्थडे के साथ शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, फॉर एक्सपीरियंस अगर आपको करना है लिटरली, सो बर्थडे इज़ द गुड ऑप्शन फॉर एनीबडी टू स्टार्टअप। सही है। हमने भी शुरुआत बर्थडे से ही किया था। सही है। फर्स्ट बर्थडे वी डिड इन लोनावला, हमको नहीं मालूम था किस कौन है, बहुत बिग कौन बिग शॉट है, क्या है। हम लोग गए, इवेंट सेटअप किया, और जो गेस्ट थे काफ़ी बड़े गेस्ट थे। अच्छा। जिनका बर्थडे था, जिसके डॉटर का, ही वॉज अ डायमंड मर्चेंट। अच्छा। मुंबई के बहुत वेल नोन डायमंड मर्चेंट थे, उसके डॉटर का बर्थडे था। द गेस्ट वॉज सुभाष घाई एंड हिज डॉटर एंड ऑल दैट केम, तो हमको मालूम भी नहीं था। अच्छा। सो धीरे धीरे फिर हमको समझा कि यार इसका सीरियसनेस क्या है। सो बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे किया हमने, ज़्यादा पैसा नहीं कमाया बट समझ लिया कि क्या है। तो स्टार्ट वॉज फ्रॉम बर्थडे ओनली फॉर अस ऑल्सो। उससे क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ जाती, किस तरह स्टेज करना है, किस तरह डेकोरेशन करना है, और क्या इतना लोग एकदम नॉर्मल ही लेते, तो कुछ गलती वलती भी हो जाती तो चलो संभाल लेते, कोई इतना नहीं, 10 फुके कम भी लगाए तो चल जाता है। बट ऐसा अभी के इवेंट्स में नहीं है वैसा। बराबर। बर्थडे इज़ लाइक लर्निंग। लर्निंग। अगर कोई ये शुरुआत करना चाहता है इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस, तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मार्केट तो अच्छा खुल गया है,
पीपल, लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट यू नीड अ बिग बजट। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत पैसा अभी लगेगा आपको बनने में, पहले क्या है बहुत चीज़ें चल जाती थी, बट थोड़ा आपको फंड रखना ज़रूरी है। क्लाइंट टाइम पे देता नहीं देता, लॉट्स ऑफ इशूज़ कैन कम, सो थोड़ा आपको फंडिंग होना बहुत ज़रूरी है टू स्टार्टअप राइट नाउ। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो भी आपके पास होना चाहिए। 2 लैक्स मिनिमम यू शुड कीप इन योर अकाउंट एटलीस्ट, व्हाट आई थिंक, सो यू कैन स्टार्टअप अ गुड वे। अच्छा, तो आप धीरे धीरे फिर वो 2 लाख का आपका कब 10 लाख 20 लाख हो जाएंगे आपको समझ में आएंगे, बट मिनिमम थोड़ा फंडिंग होना ज़रूरी है टू स्टार्टअप एनीथिंग। और किस प्रकार के इवेंट ज़्यादा मात्रा में चलते हैं या फिर वो ज़्यादा शुरू में करने चाहिए? नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे कैटेगरीज है। अच्छा, अभी हर कोई अपने को करना है, जैसे बिल्डर लॉन्च है उसको लॉन्च करना ही है, कॉर्पोरेट है उसको उसका सेमिनार्स और एनुअल डे करना ही है, अभी फैक्ट्री इनॉग्रेशन जो आ रही है उसको उसका करना है, सो एवरीबडी हैज़ अ रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। सही है। और सर, क्या ये जो बिजनेस है ये ज़्यादातर सिटी में ही चलता है, गाँव में वगैरह कर सकते हैं? आप कहाँ भी कर सकते हो उसको। अच्छा, गांव में थोड़ा कम स्कोप मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ सिटी साइड आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा। बराबर सर, इसमें इवेंट मैनेजमेंट में क्या टेम्पररी स्टाफ लगता है बहुत, जिस दिन इवेंट रहता है उस दिन? टेम्पररी स्टाफ तो बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। फिर भी इवेंट के दिन कितने लोगों की ज़रूरत लगती है? सी, अगर आप बहुत बड़ा बिग साइज इवेंट्स कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको 30-40 स्टाफ चाहिए ही रहता है, जैसे रजिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए, केटरिंग मैनेज के लिए, स्टेज मैनेजमेंट के लिए, आर्टिस्ट मैनेजमेंट के लिए। सही, हर चीज़ को एक एक टीम लगता ही आपको, तो ही आपका शो सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सिक्योरिटी टीम रहता है, ट्रांसपोर्ट टीम रहता है, सो यू नीड फॉर एवरीवन सम हेड्स ओवर देयर, तो ही आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो ये टेम्पररी लोग कहाँ पे मिल जाते हैं? ये बहुत सारे कनेक्ट में रहते हैं, अभी जैसे पुणे में ये भी एक बिजनेस है कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, सो बहुत सारे लोग मैन पावर कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। अच्छा, जो पर डे वाइज रेट पे भी लोगों को भेजते जाते हैं, सो वो भी एक बड़ा काम है। अच्छा, काफ़ी लोग तो जो है वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी बहुत अर्न करते हैं। अच्छा, जैसे पर मैन पावर के ऊपर 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ कमाता है, तो एक टाइम पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग जैसे लगता है वैसे लोग बुलाते रहते हैं, सो वहाँ से हम मंगाते रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पुणे में है जो प्रोवाइड करते रहते हैं। बराबर, तो मतलब ऐसे इवेंट के दिन के लिए जो लड़के चाहिए वो सप्लाई करते हैं, जो वो आपको जितना चाहिए उतना स्टाफ मिल जाता है उस दिन। अच्छा, अभी सभी बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस बिज़नेस में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या क्या, समस्या क्या क्या है? समस्या देखने जाओ तो ये पूरा चैलेंजेस से भरा ही है बॉस। हाँ, सिर्फ पहला चैलेंज है कि आपने एक तो पूरा सेटअप टाइम पे करना है। सही है, जैसे क्लाइंट ने टाइमिंग दिया आपको बॉस 5 बजे शूट बी रेडी, तो यू हैव टू बी रेडी बाय 4 o'clock। पहला चैलेंज आता है सबको ट्रांसपोर्ट से सेटअप करने पे जगह पहुंचाने में। सही है, एक बार जगह पहुंचने के बाद सेट होने के बाद फिर प्लानिंग लगता है, लेआउट किस तरह बनाए आपका, फिर लेआउट के अनुसार आपको हर चीज़ सेटल करना पड़ता है, आपका स्टेज, आपका केटरिंग, आपका सीटिंग एरिया, आपका लाउंज एरिया, रजिस्ट्रेशन, फिर ये पूरा एक बार सेट होने के बाद फिर आपका जेनसेट एक बार सेट करा तो उसके बाद उस पर से लाइट चलता है। अगर जेनसेट फेलियर हो गया तो आपका इवेंट फ्लॉप हो गया। सही है, सो मतलब जेनसेट भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ऑफ दिस शो। अच्छा, बिना जेनसेट के बड़ा शोज हो ही नहीं सकते। मतलब जनरेटर बहुत ज़रूरी है एनी फॉर बिग साइज इवेंट, विदाउट जेनसेट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जेनसेट बहुत महत्व है इवेंट में। सही है, अगर जेनसेट आपका गड़बड़ कर दिया तो समझो बॉस यू आर फेल। सही है, उसके ऊपर पूरा लाइट चलता है, फिर वंस द इवेंट स्टार्टेड फिर आपका इवेंट फ्लो रहता है, ओपनिंग सेरेमनी रहता है, फिर क्या क्या एंटरटेनमेंट में हम लोग रखते हैं वो सब चीज़ें रहता है, फिर आफ्टर दैट वी हैड अ क्लोजिंग। तो ओपनिंग टू क्लोजिंग इवेंट मैनेजर को ऑन द टास्क खड़े ही रहना पड़ता है। सही है, वो इतना टेंशन में रहता है इवेंट मैनेजर ओपनिंग टू एंड कि उसको बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। सही है, वो खाली देखता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और क्या चाहिए, उसका ध्यान उधर ही रहता है, और प्रॉब्लम तो नहीं, मेस तो नहीं। हाँ, वो रिलैक्स कब होता है? आफ्टर द इवेंट ओनली। सही है, या बॉस इज डन। तो इसमें जनरेटर वगैरह जैसे आपने बताया जेनसेट, ये किराए पे वगैरह मिल जाता है? रेंटल मिल जाता है, रेंट पे मिल जाता है, तो वो लेने की जरूरत मतलब शुरू नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ जरूरत नहीं उसका, वो यू कैन हायर दैट थिंग। अच्छा, देखो आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। सही है, उनका भी घर चलाना है ना। सही, आपको उनका भी ध्यान देना है, सभी आप ले लोगे
बराबर। और सर शुरू में मार्केटिंग करने का तरीका क्या है इसमें, नया स्टार्टअप शुरू करना? नया स्टार्टअप करना है तो आपको सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, आपका प्रेजेंस फेसबुक इंस्टा वेबसाइट हर जगह होना चाहिए। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो तो इट शुड बी वायरल वेरी वेल, इट शुड बी गॉन, इट शुड बी रीच टू द पीपल वेरी वेल। स्पॉन्सर्ड ऐड आप कितना करते हो, किस तरह करते हो। अच्छा, अब जैसे आपने एक अभी वीडियो बनाया, सेट किया, ये कहाँ तक पहुँचता है, दैट इज़ द मेन थिंग। सही है, उसके बिना मज़ा ही नहीं ना। आप लोगों को जब तक दिखाओगे नहीं आप क्या करते हो, आपको लोग कॉल ही नहीं करेंगे। बराबर। सर इसमें जैसे क्या इसमें पैसा डूबने की या नुकसान होने की, लॉस होने की संभावना होती है? बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी वेडिंग्स बोलो, कॉर्पोरेट्स बोलो, तो आप अच्छा तो सब कर देते हो, सही है, बट आपने थोड़ा भी कुछ गलती किया, अगर उसके हिसाब से हुआ नहीं, स्टेज लगने के बाद लाइट कम गिर गए, या बाबा सेटअप जो लगाया उसको पसंद ही नहीं आया, तो इसमें 100% चांसेस है आपका पैसा कटेगा। अच्छा, पैसा काटते 100%, बहुत ज़्यादा काटते, उनको तो रीज़न ही चाहिए आपका पैसा काटने का। अच्छा, इसलिए आप भी जब पेमेंट टर्म्स बनाते हो वेडिंग्स के लिए वॉट एवर, तो बहुत अच्छे से बनाएं। अच्छा। अब जैसे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हो, कॉर्पोरेट इवेंट बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी हम लोग का एक इवेंट है बड़ा, 1000 लोगों का इवेंट किया, 1000 पीपल, मतलब इसका बिलिंग बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इसमें खाना पीना सब कुछ, सेटअप डेकोरेशन हर चीज़ आ गया। अभी इवेंट में लास्ट मोमेंट पे आपका फॉलो लाइट नहीं चला, इवेंट फ्लो में माइक आपके नहीं चले, या आपका डेकोरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एलईडी स्क्रीन आपका अगर चला ही नहीं लास्ट मोमेंट पे, या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया, सो ये भले ही छोटी चीज़ है इवेंट में, बट इसकी वजह से आपका पूरा 50% कट कर सकता है कॉर्पोरेट। अच्छा, तो जैसा लगता है आपको कि बहुत बड़ा है सब, पैसा है मजा, ऐसा नहीं है। बैक स्टेज में बहुत रिस्की भी है, सही है, आपको उतना एफर्ट्स भी लेना, और प्लस आपको रिस्क लेना आना चाहिए कि बॉस अगर लॉस हो गया तो आपको बेयर भी करना आना चाहिए, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बराबर। अगर क्लाइंट ने काट दिया तो फिर आप आगे क्या करोगे, क्योंकि आगे आपके आपको 10 लोग और हैं, उनको पैसा देना है। सही है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ध्यान देना है, हर चीज़ का क्लियरेंस रखना है, हर चीज़ आपको परफेक्शन के साथ करना है। सेकेंड, जैसे आपने जितने सेटअप लगाए, हर चीज़ लगाए, जैसे आपने फर्नीचर सेटअप किया, मेक श्योर कि उसका काउंटिंग पूरा ले, ऑन पेपर करे, और क्लाइंट से इवेंट के पहले ही सब साइन ले ले हर चीज़ का। अच्छा। स्क्रीन लगाया, स्टेज लगाया, टेबल लगाया, चेयर लगाया, सो इससे ना कल को क्लाइंट डिनाई नहीं कर सकता कि ये नहीं था वो नहीं था। अच्छा। आप सीधा बताओ सर आपका साइन है इसके, आपने ही साइन किया ना, डेट टाइमिंग के साथ, क्या मैंने किया है। सही है। अब आप इवेंट के बाद बोलूँगा ये प्रॉब्लम तो आई वॉन्ट दे, ये आपका साइन है, तो दिस इज़ द वेरी क्रुशियल। सो ये हर एक इवेंट मैनेजर ने करना चाहिए, तो वो कभी लाइफ में अटकेंगे नहीं, सब जगह वो इजीली निकल जाएंगे। मैं तो बहुत से लोग क्या बोलते, अरे यार 1000 चेयर बोले थे तूने, तो 900 ही चेयर लगाए, बाकी लोग खड़े थे। अब वो टाइम पे उसको कैसे आप बताओगे कि 1000 ही चेयर थे। सही है। इसलिए उसको इवेंट के पहले उसको बोलना तूने यू आर नॉट अवेलेबल ना, तो आप पहला ही उसका ना किसी को भेज के उसका काउंटिंग करा के साइन ले लो। तो इससे आपको वेरी क्लियर मिल जाता है कि अरे यार ये लगे हैं, टेबल इतने लगे हैं, स्टेज ये साइज़ का था तो ये साइज़ का बोला है, तो एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। अभी सर इसमें भी बहुत कंपटीशन है, तो इसमें कंपटीशन में अपना को काम मिलने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे मान के चलो किसी इवेंट में अपना जैसे 1 लाख रुपये अपना खर्चा होने वाला है, तो क्लाइंट से कितना बिलिंग लेना चाहिए? जैसे आपको मालूम है कि आपका खर्चा 1 लाख है, तो मिनिमम आप 1.5 लाख रुपए तक, 1,60,000 तक के दीजिए उसको बिल। अच्छा। तो एक 30-40,000 तो आप अर्न करते, कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मिनिमम। सो इवेंट मैनेजमेंट में बेसिकली 30% का मार्जिन लेके चलता है कोई भी। सही है। एलईडी कुर्सियाँ या बड़े बड़े स्टेज ये सब किराए पे, आइन टाइम पे ये सब मिल जाता है आपको, सब किराए पे मिल, ये सब रेंटल आपको मिलता है, रेंटल पे मिलता है। ये हम लोग क्यों बोल रहे खुद का मटेरियल देंगे, कि आप आपका पैसा सेव करते हो ना। सही है। That is only plus one. हाँ, मतलब जो चीज़ें अपने पास है उसका रेंट भरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं आपको, आपको ईजी टू गो हो जाता है। आपका पास खुद का मटेरियल रहने की वजह से आपका पैसा कॉस्ट सेविंग होता है, प्लस आपको एक सपोर्ट मिल जाता है आपका इंटरनेट, तो वही आप बाहर से लेने जाओ तो कॉस्ट आपका बढ़ता है ना। सही। यू डोंट हैव टू पे। बराबर। और फिर भी सर कितने इवेंट करने चाहिए एक महीने में? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर आप चाहे तो आप 300 दिन इवेंट कर सकते हो आपकी कैपेसिटी है तो, बट ऑन एन एवरेज अगर आपको साइजेबल इवेंट करने तो एटलीस्ट 15 से 20 आप इवेंट कर सकते हो आराम से महीने में, अच्छे साइजेबल के साथ।
और सर इसमें क्या क्रेडिट देना पड़ता है क्लाइंट को? क्लाइंट को क्रेडिट भी देना पड़ता है, बहुत से क्लाइंट खाली एडवांस पे करते हैं, उसके बाद का पेमेंट के लिए आपको गिफ्ट क्रेडिट, कोई बोलता है 30-45 days, 3-3 महीने का भी क्रेडिट जाता है। अच्छा, तो आपका इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सही है, फिर भी सर एडवांस कितना लेना चाहिए शुरू में? मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट यू शुड गो 50%, और उसको बोलना इवेंट के समय और एक 70-80% यू शुड टेक बिफोर इवेंट ऑनली। अच्छा, तो 70-80% इवेंट के पहले लेना चाहिए? लेना चाहिए, तो वो थोड़ा रिस्क फ्री रहेगा। बराबर, ये तो क्या है ना, वो बहुत प्रॉब्लम बाद में क्लाइंट लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं टू गिव द पेमेंट एंड ऑल, तो वो भी एक बड़ा टास्क है। सही है, कि काम अच्छा होने के बाद भी आपका पेमेंट कैन बी डिले। बराबर, तो आप जो काम करते हो, आप अभी कहाँ कहाँ पे आप इवेंट्स करते हैं? अभी हम पूना ही नहीं, हम लोग पैन इंडिया लेवल करते हैं, पूरे इंडिया में सभी जगह पे करते हैं। या पूना, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अच्छा हर सिटी हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान। तो दोस्तों अगर आप इवेंट करना चाहते हैं, आप में से कोई अगर इवेंट का काम करना चाहते हैं आपके यहाँ पे किसी भी कॉरपोरेट या कोई बड़े इवेंट्स करना चाहते हैं, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को जानकारी देने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।